कोरोना वायरस से घबराने की नहीं बल्कि सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है, तभी आप इस जानलेवा वायरस को हरा पाएंगे। इन दिनों मौसम बदल रहा है, ऐसे में कॉमन कोल्ड और फ्लू जैसी दिक्कत हर एक दूसरे व्यक्ति को हो रही है। ऐसे में परेशान होने की बजाय यह जानें कि कब आपको करवाना है कोरोना वायरस का टेस्ट और कब नहीं। हर किसी व्यक्ति को फ्लू के कुछ हल्के लक्षण नजर आ रहे हैं तो उन्हें कोरोना वायरस का टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं। अगर आपको लो ग्रेड फीवर सर्दी खांसी है तो आप घर पर आराम करें और खूब सारा लिक्विड और फ्लूइड लें। लेकिन जिन मरीजों को हाई ग्रेड फीवर है, सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही है, उन मरीजों को अपने लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ऐसे में अगर आपकी नाक बह रही है, हल्का सर्दी जुकाम खांसी और बुखार है तो आप ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करें, इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करें और एंटीवायरल दवाइयों का सेवन करें। लिहाजा बेहद जरूरी है कि इस वायरस से बचने के लिए कुछ जरूरी प्रिकॉशंस लिए जाएं। नंबर एक, अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं या हैंड सैनिटाइजर से साफ करें। नंबर दो, अपनी आंख नाक मुंह और चेहरे को अपने हाथ से बार बार टच ना करें। नंबर तीन, अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए बने रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।